गंगाधराय, नमो गंगाधराय, हर हर भोले, हर हर भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भक्तों, देवादिदेव महादेव भोलेनाथ के अनेक अनेक नाम हैं, अनेक अनेक स्वरूप हैं, और भक्तजन जिस नाम और जिस स्वरूप में उनको पुकारते हैं, मेरे भोलेनाथ अपना कैलाश छोड़कर उनके रक्षण हेतु दौड़े चले आते हैं। तो आइए भक्तों, आज मैं आपको इस संगीतमय गाथा के माध्यम से ये बताने जा रहा हूँ कि मेरे भोलेनाथ का नाम गंगाधारी अथवा गंगाधराय कैसे पड़ा। तो भोलेनाथ के पावन चरणों का ध्यान लगाते हुए मेरे साथ सच्ची श्रद्धा और सच्चे विश्वास के साथ सुनते हैं भोलेनाथ की ये पावन पवित्र कथा। शिव शंकर कैलाशपति हर हर भोलेनाथ, दानियों के दानी हैं, भक्तों के हैं साथ। कैसे पड़ा भंडारी का गंगाधारी नाम, आओ भक्तों सुनते हैं पावन कथा महा। शिव शंकर भक्तजनों, कथा प्रारंभ होती है महाराजा सगर से। महाप्रतापी राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया और यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया, जिसका रक्षण करने के लिए महाराजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े के पीछे पीछे चला करते थे। इधर देवराज इंद्र को यह भान हुआ कि यदि सगर का यज्ञ सफल हो गया तो उसका इंद्रासन अवश्य छिन जाएगा। सो उसने इस यज्ञ को भंग करने की एक कुटिल चाल सोची। भक्तों, उसने रात को अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा चुराया और चुपचाप जाकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। जब सुबह सगर पुत्रों ने देखा कि यज्ञ का घोड़ा कहीं नहीं है, तो वो उसे ढूंढने निकल पड़े। ढूंढते ढूंढते कपिल मुनि के आश्रम में आए तो घोड़ा वहां बंधा पाया। उन्होंने सोचा कि घोड़े को चुराकर मुनिवर ने राजा सगर को चुनौती दी है, सो वो 60,000 पुत्र मुनिवर को अपशब्द कहने लगे, चोर इत्यादि कहकर संबोधित करने लगे। बस फिर क्या था भक्तों, ऐसी घटना घटी जिसका वृतांत इस संगीतमय गाथा के माध्यम से मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। मुनिवर जी फिर क्रोध में आंखें खोलते जाएं, लाल नेत्रों से क्रोध की ज्वाला निकली जाए। क्रोधाग्नि में जल गए पुत्र वो 60,000, बने प्रेत वो भटक रहे, रो रहे बारंबार। शिव शंकर भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। शिव शंकर भगवान, कोटि कोटि प्रणाम। अपने पुत्रों के भस्म होने की बात जब महाराजा सगर को ज्ञात हुई, भक्तों, भागा भागा कपिल मुनि के चरणों में आकर हाहाकार करने लगा, क्षमा याचना करने लगा। बोला, मुनिवर, ये सब तो इंद्र की कुटिल चाल थी जिसके दंड का पात्र बन गए मेरे ये पुत्र, और अब ये प्रेत बनकर भटक रहे हैं। कम से कम इनके प्राण दान लौटा नहीं सकते, तो इनकी मुक्ति का ही कोई उपाय बता दीजिए प्रभु। जब कपिल मुनि को सत्य का बोध हुआ तो उन्होंने सगर को बताया कि तेरे पुत्रों की मुक्ति का मार्ग मात्र और केवल मात्र गंगा जल ही है, इसीलिए माँ गंगा का घनघोर तप कर उन्हें स्वर्ग से धरती पर लाना होगा।
यह सुनकर सगर पुत्र अंशुमान माँ गंगा का तप करने वनों में आ गए, परंतु अपने देहांत तलक वो माँ गंगा को धरा पर नहीं ला सके। फिर उनके पुत्र दिलीप ने तप किया, वो भी असफल रहे। फिर असमंजस सहित सगर की कई कई पीढ़ियां तप करने में लग गईं, परंतु माँ गंगा को कोई धरा पर न ला सका। अब बारी आई भागीरथ की, उसने पहले ब्रह्मा और विष्णु का कठिन तप किया, क्योंकि विष्णु जी के नख से निकलती थी गंगा और ब्रह्म कमंडल में समाई हुई थी। दोनों ने भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और उसे यह समझाया कि हम गंगा को छोड़ने के लिए तैयार हैं, परंतु इसका भारी वेग धरती के दो टुकड़े कर देगा, इसलिए जाओ और भोलेनाथ की तपस्या करो, क्योंकि सृष्टि में केवल वे ही माँ गंगा का वेग धारण कर सकते हैं। शिव भोले के नाम की मन में अलख जगाए, जपता रहा वो रात दिन ओम नमः शिवाय। दर्श दिखाओ शंकर जी करता हूँ आवान, दर्श दिखा कर दे दीजिए मुझको अभय वरदान। शिव शंकर भागीरथ के भारी तप से प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उसे दर्शन दिया और वरदान मांगने को कहा। तब भागीरथ ने दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पुरखों का उद्धार अब केवल आपके हाथों में है। वो प्रेत योनि में भटक रहे हैं और माँ गंगा का जल ही उनकी मुक्ति का उपाय है। ब्रह्मा जी और विष्णु जी माँ गंगा को मुक्त करने को तैयार हैं, परंतु माँ का भारी वेग धरती माँ सहन नहीं कर सकेगी, इसलिए प्रभु केवल आप और केवल आप ही माँ गंगा के भारी वेग को धारण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु मेरा कल्याण कीजिए और माँ गंगा का भारी वेग धारण कर लीजिए। देवादिदेव भोलेनाथ दानियों के दानी तथास्तु बोलकर माँ गंगा के वेग को धारण करने हेतु तत्पर हो गए भक्तों। भागीरथ आवान पे शिव शंकर जी आए, गंगा धारण करने को खोल दी अपनी जटा। पूरे वेग से स्वर्ग से गंगा बहती आई, आके शिव की जटाओं में गंगा गई समाई। शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम, शिव शंकर भगवान कोटि कोटि प्रणाम। श्री हरि के नख से निकलकर ब्रह्म कमंडल से होती हुई माँ गंगा धरती की ओर बहकर आ रही है भक्तों, और मार्ग में खड़े हैं देवादिदेव भोलेनाथ अपनी जटाएं बिखराए हुए। माँ गंगा सीधा आकर भगवान शिव की जटाओं में समा गई और भगवान शिव ने माँ गंगा के वेग को अपनी जटाओं से बांध लिया। फिर भागीरथ के उत्थान को माँ गंगा की तीन निर्मल धाराएं भगवान शिव ने छोड़ी। पहली धारा आकाश को चली गई, जिसे हम भक्त लोग आकाश गंगा कहते हैं। दूसरी पवित्र धारा पाताल लोक को चली गई, जिसे हम भक्तजन पाताल गंगा कहते हैं। और तीसरी निर्मल धारा भागीरथ के पीछे पीछे बहकर गोमुख के रास्ते धरती पर आ गई तथा ऋषिकेश हरिद्वार होती हुई जो ही सगर पुत्रों की राख से मिली, प्रेत बने सगर के पुत्र प्रेत योनि से मुक्त हो गए तथा वैकुंठ लोक को चले गए। तब से यह प्रचलन है भक्तों के मृत मनुष्य की दाह संस्कार के पश्चात उसकी राख माँ गंगा के पावन जल में बहाई जाती है, जिससे आत्मा को मुक्ति मिलती है और
उसे वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। भोलेनाथ ने भागीरथ का उद्धार किया और भागीरथ ने भोलेनाथ का नामकरण कर दिया गंगाधराय। पूरे रास्ते जय गंगाधर जय गंगाधराय कहता हुआ भागीरथ अपने पुरखों को प्रेत योनि से मुक्त करवाने में सफल रहा। तो इस तरह आपने जाना भक्तों कि मेरे देवाधिदेव भोलेनाथ का नाम गंगाधारी कैसे पड़ा था। एक बार दोनों हाथ खोलकर सच्ची श्रद्धा से जयकार बोल दीजिए, बोलिए गंगाधारी भगवान शिव शंकर की। गंगा जल में पुरखों की राख जूही मिल जाए, भागीरथ के पुरखे सब तुरंत मुक्त हो जाए। गंगाधर के नाम से शिव भोले कहलाए, आओ गंगाधर शिव को चंदन तिलक लगाए। शिव शंकर ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदया तन्नो रुद्र प्रचोदया। बोलिए शंकर भगवान की। भक्तजनों, मेरे भोले भंडारी की लीलाओं का वर्णन वेद पुराणों ने और ऋषि मुनियों ने बखाना है। इनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की महिमा तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। जिस जिसने इस मंत्र का जाप किया उस उसको सृष्टि के सारे सुख मिले और जीवन के अंत में शिवलोक की प्राप्ति भी हुई। तो आइए आज मैं आपको भगवान भोले शंकर के इस पंचाक्षरी मंत्र की महिमा की संगीतमय गाथा सुनाता हूँ, जिसे सुनने से आपके जन्मों जन्मों के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, आप भौतिक जीवन के समस्त सुख भोगेंगे और जीवन के अंत में शिवलोक को प्राप्त होंगे। तो एक बार फिर बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मेरे साथ बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की। जपो रे मन ओम नमः शिवाय, जपो रे मन ओम नमः शिवाय, जपो रे मन ओम नमः शिवाय, जपो रे मन ओम नमः शिवाय। शिव के मंत्र को जपने वाला, शिव के मंत्र को जपने वाला भव सागर तर जाए। जनों, भोले शंकर के पावन पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की पहली पावन कथा है सागर मंथन की। भक्तों, देवता और असुर आपस में सदा युद्ध करते रहते थे। यह देखकर देव गुरु और दैत्य गुरु ने योजना बनाई कि क्यों ना सागर मंथन किया जाए और जिसमें देवों और असुरों को लगा दिया जाए ताकि इनका ध्यान भटका रहे और ये आपस में युद्ध न करें। और सागर मंथन से जो भी निकलेगा देवता और असुर आपस में बराबर बांट लेंगे। यह सोचकर सागर मंथन का निर्णय किया गया। भक्तों, मंदराचल पर्वत को मथनी बना लिया गया। भगवान शिव के गले की शोभा वासुकी नाग को नेति बना लिया गया। श्री हरि भगवान विष्णु ने कूर्म अवतार लेकर मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया और सागर मंथन आरंभ हो गया। भक्तों,
परंतु यह क्या, पहले ही प्रयास में हलाहल विष बाहर निकला भक्तों, जिसे ना तो असुर ग्रहण करने को तैयार थे और ना ही देवता। अब सृष्टि पर संकट आ गया था। यदि इस हलाहल को कोई भी धारण नहीं करेगा तो सारी सृष्टि इस हलाहल की अग्नि में जल जाएगी। क्या देव, क्या दानव, क्या श्री हरि विष्णु, क्या ब्रह्मा जी, सभी भगवान भोले शंकर की शरण में पहुंचे। सभी ने एक स्वर में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया। भगवान शंकर अपने पंचाक्षरी मंत्र को सुन प्रसन्न हुए भक्त सभी के समक्ष आए, हलाहल विष के पात्र को उठाया और उसे पीकर अपने कंठ में बसा लिया। हलाहल विष के कारण भगवान भोले शंकर का कंठ नीले रंग का हो गया, जिससे भक्तों ने उन्हें नीलकंठ का नाम दिया। सभी ने भगवान नीलकंठ की जय जयकार बुलाई। तो आप और हम इस अवसर को क्यों गवाते हैं? मेरे साथ बोलिए भक्तों, बोलिए नीलकंठ भगवान की। हुआ सागर का मंथन, हलाहल विष था निकला। देखा जब विष को सबने, सभी का दम था निकला। शिव की सब शरण में आए, बोले सब नमः शिवाय। शिव जी सन्मुख थे आए, विष को फिर कंठ बसाए। शिव जी सन्मुख थे आए, विष को फिर कंठ बसाए। सारी सृष्टि नीलकंठ की, सारी सृष्टि नीलकंठ की जय जयकार लगा। भक्तजनों, भगवान भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय की दूजी पावन कथा है भस्मासुर की। भक्तजनों, भस्मासुर एक भयंकर दैत्य था, अत्यंत बलशाली। अपने बल से तीनों लोकों में हाहाकार मचाए हुए था। उसके अतुलित बल को देखकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान भोले शंकर की तपस्या करने के लिए कहा, ताकि भगवान भोले शंकर प्रसन्न हों और उसे अनेकानेक शक्तियों से परिपूर्ण कर दें। भक्तों, भस्मासुर ने भयंकर तपस्या की, घनघोर तप किया, तब जाकर भगवान भोले शंकर उसके सन्मुख प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। पहले तो उसने कहा, हे प्रभु, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हैं तो मुझे अजर अमर होने का वरदान दीजिए। इस पर भगवान भोले शंकर ने कहा, हे भस्मासुर, ये नीति के विरुद्ध है। जो सृष्टि में आया है उसका जाना अति आवश्यक है। तब भस्मासुर ने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का घनघोर जाप किया। भगवान शिव अति प्रसन्न हुए, फिर से वर मांगने को कहा। तब भस्मासुर ने वर मांगा कि मैं जिसके सिर पर हाथ धरूं वो तत्काल भस्म हो जाए। मेरे भोले भंडारी ने आव देखा ना ताव, तथास्तु कहकर वहां से जाने लगे। परंतु भस्मासुर वरदान की शक्ति को जानने के लिए भगवान शिव के सिर पर ही हाथ धरने चला। भगवान भोले शंकर प्राण बचाते हुए क्षीर सागर में विष्णु जी की शरण में आए। भगवान श्री हरि नारायण ने मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर का अंत किया। तो बोलिए भक्तों मेरे साथ, बोलिए भगवान विष्णु के मोहिनी स्वरूप की। शिव के पावन मंत्र को भस्मासुर ने था गाया, भस्म वो सबको कर दे ऐसा वरदान थपाया। भस्म वो सबको कर दे ऐसा वरदान थपाया।
शिव पे वर आजमाने, असुर भागा फिर आए। मोहिनी बन श्री विष्णु शिव जी के प्राण बचाए। चाहे असुर हो चाहे दानव, चाहे असुर हो चाहे दानव, शिव जी से वर पा। भगवान भोले शंकर के पावन चरणों का ध्यान लगाते हुए तीजी कथा सुनाने जा रहा हूँ भक्तों। ये कथा रावण से संबंधित है। रावण चाहे कितना बड़ा पापी था भक्तों, भगवान श्री हरि विष्णु को राम रूप में अवतरित होकर उसका अंत करना पड़ा, परंतु रावण परम शिव भक्त भी था। एक बार की बात है भक्तों, माँ गौरा के मन में आया कि वो भी लक्ष्मी की तरह सोने चांदी के महलों में रहे। भोलेनाथ से हट करने लगी। भोले शंकर ने लाख समझाया, हे गौरा, सोने चांदी के महलों में रहना हमारे प्रारब्ध में नहीं है। परंतु माँ गौरा हट करने लगी। इस पर भगवान भोले शंकर ने देव शिल्पी विश्वकर्मा को बुलाकर सोने की ऐसी पावन नगरी बनवाई जिसे देखकर तीनों लोग अचंभित रह गए। अब प्रश्न खड़ा हुआ कि गृह प्रवेश किससे करवाया जाए। रावण एक प्रकांड पंडित भी था भक्तों, सो भगवान भोले शंकर ने गृह प्रवेश के पूजन के लिए रावण को बुलावा भेजा। रावण आया, भगवान शिव और माँ गौरा के चरणों में नतमस्तक होकर उसने गृह प्रवेश की ऐसी पूजा करवाई के माँ गौरा और भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्नता में मेरे भोले भंडारी रावण से पूछने लगे, कहो रावण, तुम्हें दक्षिणा स्वरूप क्या चाहिए। रावण ने सोने की लंका देखी हुई थी भक्तों, सो उसके मन में विचार आया कि क्यों न वो इस सोने की नगरी को ही भगवान शिव से मांग ले। इस हेतु उसने पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का कठिन जाप करना प्रारंभ कर दिया। भगवान भोले शंकर और प्रसन्न हुए और वरदान मांगने को कहा। तब रावण ने दान स्वरूप सोने की लंका भगवान शिव से मांग ली और मेरे भोले भंडारी ने एक पल का विलंब किए बिना सोने की लंका रावण को दे दी। गौरा हैरानी से भोले शंकर को देख रही है और रावण ओम नमः शिवाय का जाप करता हुआ सोने की लंका ले जा रहा। शिव के पावन मंत्र को भक्त रावण ने गाया, शिव से वरदान रूप में सोने की लंका पाया। नहीं कोई और महादानी भोले शंकर के जैसा, जिसने जैसी भक्ति की फल भी पाया था वैसा। जिसने जैसी भक्ति की फल भी पाया था वैसा। झोली उनकी भर जाती जो, झोली उनकी भर जाती जो शिव के मंत्र को गा। क्या असुर क्या असुर, दानव मानव किन्नर गंधर्व, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी भगवान शिव के मंत्र के जाप से भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी ने भी भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र को गाया और सृष्टि के रचयिता बन गए। सारे वेदों का ज्ञान भी
भगवान ब्रह्मा जी ने भोले शंकर के पंचाक्षरी मंत्र की महिमा से ही प्राप्त किया। भक्त जनों, सृष्टि के पालन करता भगवान श्री हरि विष्णु ने जब पंचाक्षरी मंत्र का जाप किया तो लक्ष्मी को पत्नी रूप में प्राप्त किया और अपने वाम अंग में स्थान दिया। इंद्र को वज्र और ऐरावत और उच्चई श्रवा घोड़ा भी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र के जाप से ही प्राप्त हुआ। ऐसे ही भक्तों, जिस जिसने भी भगवान भोले शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया उसने सदा मनचाहा फल प्राप्त किया। तो एक बार फिर मेरे साथ बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से बोल दीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्म जी मंत्र को गाए बने वेदों के ज्ञाता, सृष्टि को रचने वाले बने वो भाग्य विधाता। सृष्टि को रचने वाले बने वो भाग्य विधाता। विष्णु ने मंत्र को गाया बने वो पालनहारे, पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे। पत्नी लक्ष्मी को पाए वाम अंग अपने धारे। आओ भक्तों साचे मन से, आओ भक्तों साचे मन से शिव के मंत्र को गाओ। जनों, इस पंचाक्षरी मंत्र में इतनी शक्ति है कि जिसने भी इसे सच्चे मन से जपा उसका कल्याण निश्चित ही हुआ। भागीरथ की कथा सुनाता हूं भक्तों, जिसके पुरखे राख बनकर प्रेत योनि में भटक रहे थे। मां गंगा को धरा पर लाने के लिए उसने ब्रह्मा और विष्णु की घनघोर तपस्या की। ब्रह्मा जी और विष्णु जी गंगा जी को धरा पर भेजने के लिए तैयार भी थे, परंतु प्रश्न यह था कि माँ गंगा का भारी वेग कौन धारण करेगा। इस पर भागीरथ ने भगवान शंकर के ओम नमः शिवाय मंत्र का घनघोर जाप किया, भगवान भोले शंकर को प्रसन्न किया और उन्हें मना लिया कि माँ गंगा को अपनी जटाओं में रोककर एक पावन धारा धरती के लिए छोड़ दें। भगवान शिव ने ऐसा ही किया भक्तों। माँ गंगा एक निर्मल धारा के रूप में भागीरथ के पीछे पीछे धरा पर आई और उसके पुरखों का उद्धार कर दिया। ऐसे ही भक्तों, यदि आप भी जन्म जन्म के पापों का नाश करवाना चाहते हैं, भोले शंकर की कृपा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हर सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाएं, उनके शिवलिंग को गंगा जल से नहलाएं, बेल पत्र भांग धतूरा अक्षत घी चंदन इत्यादि चढ़ाकर उन्हें प्रसन्न करें तथा एक माला ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। आपके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे, जीवन के समस्त सुख भोगकर अंत में आप भगवान शिव की शरणागति को भी जाएंगे। तो मेरे साथ प्रेम भाव और श्रद्धा से बोलिए, बोलिए शंकर भगवान की जय। जो कलयुग के पापों से मुक्ति को पाना चाहो, आए जब सोमवार तो शिव जी के मंदिर जाओ। आए जब सोमवार तो शिव जी के मंदिर जाओ। करो गंगा जल अर्पण, दूध और दही चढ़ाओ, घिसो फिर प्रेम से चंदन, श्रद्धा से तिलक लगाओ। घिसो फिर प्रेम से चंदन, श्रद्धा से तिलक लगाओ। बीच भंवर नैया ना डोले, बीच भंवर नैया ना डोले, भवसागर तर जाओ।